सो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी क्लैश स्क्वाड मोड के अंदर ग्रैंड मास्टर रैंक पे हूँ, ठीक ना। तो ग्रैंड मास्टर रैंक तक रैंक पुश करने में सबसे ज्यादा जो हमको प्रॉब्लम हुआ ना, वो नेक्स्टेरा मैप के अंदर हुआ। और आप लोगों को भी नेक्स्टेरा मैप के अंदर क्लैश स्क्वाड मोड के अंदर रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद ना, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा और आप लोग इजीली मेरी तरह इनिमी को किल कर पाइएगा और बहुत ही आसानी से बुइए करते हुए रैंक पुश कर सकते हैं क्लैश स्क्वाड गेम के अंदर। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्टेरा मैप के अंदर टॉप 5 बेस्ट हाइडिंग प्लेस बताने वाला हूं। और मैं पहले ही बता दूं कि ये पांचों जोन एकदम बेस्ट हाइडिंग प्लेस होने वाला है। वहां पर आप बहुत इजीली पहुंच जाइएगा। उसके बाद हाइडिंग प्लेस पे पहुंचने के बाद आप बहुत इजीली इनिमी को भी मार सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं आपको बेस्ट हाइडिंग प्लेस नेक्स्टेरा मैप के अंदर बताने वाला हूं, जिसका यूज करके ना आप बहुत इजीली इनिमी को मार सकते हैं और आसानी से गेम बुइए कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्टेरा मैप के अंदर जो टॉप 5 बेस्ट हाइडिंग प्लेस है, उन सारे हाइडिंग प्लेस को जानते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहला जो हाइडिंग प्लेस बताने वाला हूं, जिसका यूज करके आप इनिमी को बहुत इजीली मार सकते हैं, वो है इंटेलेक्ट सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इस जगह को, गौर से देख लीजिए। जब भी आपका मैच इस तरफ से स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा नीचे आना है और बस एक ग्लू बॉल, जैसे मैं यहाँ ग्लू बॉल लगा रहा हूँ, अब बस आपको इस तरह से एक ग्लू बॉल लगा देना है। फिर आपको आराम से सीढ़ी से ऊपर जाना है, खिड़की से पहले कूदा, सीढ़ी से ऊपर जा रहे आराम से, उसके बाद जंप करके पहले दीवार पे, फिर ग्लू बॉल पे जाना है, फिर जा करके छत के ऊपर चला जाना है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा होशियारी से छत के ऊपर चले गए। उसके बाद आप यहाँ से देखिए कितना ओपन पोजिशन दिख रहा है, कितना ज़्यादा ओपन पोजिशन दिख रहा है, और आप बहुत ईजिली यहाँ से इनिमी को मार सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि उस बार जो है ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए थे। इस बार मैं स्टार्टिंग से पूरा दिखाता हूँ कि किस तरह मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर जैसे मतलब कवर एरिया खुला, मैं नीचे आया और यहाँ पर मैंने एक ग्लू बॉल लगा दिया, ठीक ना। जैसे मैंने पहले ही बताया है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है। उस बार थोड़ा डिले हो गया था, इस बार मैं इजीली से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक और ग्लू बॉल लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ग्लू बॉल है तो मैं लगा देता हूँ। तो आप देखिए किस तरह से जाना है, बस ऐसे ऐसे ग्लू बॉल पर जंप करना है, बहुत ईजिली जा सकते हैं। यहाँ एक ग्लू बॉल हो तो एक ग्लू बॉल से जा सकते हैं, दो ग्लू बॉल है दो ग्लू बॉल से आज जा सकते हैं। और जोन बहुत देर तक नहीं आता है और सामने बहुत बड़ा एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए बहुत बड़ा एरिया है, कवर कर सकते हैं। एक इनिमी को मैंने मारा और यहाँ दूसरा इनिमी आ गया है, इसको भी मैं डाउन कर देता हूँ। तो मतलब कि यहाँ पर से इंटेलेक्ट सेक्ट के इस छत के ऊपर आने के बाद अब बहुत ईजिली इनिमी को मार सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा कवर भी अवेलेबल है, हालांकि यहाँ मैं कवर का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक ही इनिमी बचा हुआ। तो मतलब आप समझ गए कि इंटेलेक्ट सेक्ट के इस एरिया में, इस छत के ऊपर जाने के लिए आपको एक ग्लू बॉल का यूज करना है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद जो आपका हाइडिंग प्लेस है वो एकदम परफेक्ट हाइडिंग प्लेस है, आप बहुत इजीली यहां से इनिमी को मार सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड बेस्ट हाइडिंग प्लेस इन नेक्स्टेरा मैप को जानते हैं। तो आगे जो मैं आपको दूसरा हाइडिंग प्लेस बताने वाला हूं, वो भी इंटेलेक्ट सेक्ट के ऊपर है। तो मैंने जो पहले हाइडिंग प्लेस बताया है, तो अगर आपका मैच उसके अपोजिट साइड स्टार्ट होगा, मतलब जिस तरफ से मैंने तो हाइडिंग प्लेस बता दिया, उसके अपोजिट साइड से मैच स्टार्ट होगा, यहां से अगर मैच स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, आप यहां देखिए यहां आना है दौड़ते हुए जाना है, और यहां आने के बाद यहां लेट जाना है। और यहां जब आप लेट जाइएगा तो देखिए यहां पर से भी आपको बहुत ज्यादा एरिया दिख रहा है, ठीक ना। और आप राइट साइड से ग्लिच करके थोड़ा आगे आराम से इनिमी को मार सकते हैं। देखिए यहां इनिमी आ गया, दो इनिमी आ गया, दोनों को मैं आराम से डाउन कर दिया। तो मतलब इंटेलेक्ट सेक्ट का अगर उस साइड से मैच स्टार्ट होगा तो आप छत के ऊपर जाकर के वहां से तो बहुत ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। अगर इस साइड से मैच स्टार्ट हुआ, आपने देख लिया कि इस साइड से मेरा मैच स्टार्ट हुआ, इस साइड से अगर मैच हुआ तो यहां पर ऊपर जाकर के लेट करके आप इनिमी को आराम से देख करके आराम से इनिमी को मार सकते हैं। और इस वाला हाइडिंग प्लेस, ये वाला लेटने वाला हाइडिंग प्लेस है, यहां जाना तो बहुत ज्यादा इजी। आप देख लीजिए किस तरह जाते हैं, आप लोग को भी इसी तरह जाना है और यहां आकर के लेट जाना है। देख लीजिए इंटेलेक्ट सेंटर पे ये जो दूसरा हाइडिंग प्लेस है, यहां जाना बहुत ज्यादा इजी है। और अगर सामने इनिमी आया तो आप लोगों को इनिमी को बहुत इजीली आप इनिमी को मार सकते हैं। अगर इनिमी नहीं आया तो आप आराम से नीचे उतर जाइए, और नीचे उतरने के बाद आगे कंटेनर के पास जा सकते हैं, और आपको जो इनिमी दिखेगा बहुत इजीली आप इनिमी को मार सकते हैं।
ये था दूसरा बेस्ट हाइडिंग प्लेस इन नेक्स्ट एरा मैप। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो तीसरा बेस्ट हाइडिंग प्लेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ग्रैब लैब्स के ऊपर, ठीक है ना। ग्रैब लैब्स में जब भी आपका इस तरफ से मैच देगा तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट जंप, जंप यहाँ पर आना है आपको। देख लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपके सामने इनिमी रहेगा तो आप यहाँ नहीं आइएगा, थोड़ा लेट से आइएगा। और इनिमी नहीं रहेगा आपको यहाँ आना है, फर्स्ट पायदान, दूसरे पायदान, और यहाँ आने के बाद लेफ्ट साइड थोड़ा करके जंप करना है और आप यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक ना, इस ग्लोब के ऊपर आ जाइएगा। और यहाँ से आप इनिमी को आसानी से मार सकते हैं। पूरा एरिया देखिए यहाँ से दिख रहा है, पूरा एरिया आपको जहाँ इनिमी दिखेगा वहाँ आप बहुत इजीली इनिमी को मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इनिमी बहुत ही मुश्किल के बाद मार पाएगा। अब देख लीजिए इनिमी मार ही नहीं पाएगा, उसको पता भी चल जाएगा कि इस ग्लोब के ऊपर इनिमी है तो आपको जल्दी इनिमी नहीं मार पाएगा। आप आसानी से यहाँ ग्लिच फायर करते हुए बहुत इजीली इनिमी को मार करके मैच विक्ट्री कर सकते हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह मैंने विक्ट्री कर लिया। और यहाँ देख लीजिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट पायदान, सेकेंड पायदान, उसके लेफ्ट साइड में आना है, फिर इस ग्लोब के ऊपर कूदना है। देख लीजिए ग्लोब के ऊपर कूद गए, ग्लोब के ऊपर आ गए और यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मार पाएगा। और यहाँ पर आप देखिए 1v4 सिचुएशन है और मैं यहाँ ग्लोब के ऊपर आ गया हूं। तो यहाँ आने के बाद हम लोग को चारों तरफ का एरिया दिखता है और फर्स्ट इनिमी दिखा, मैंने इसको मार दिया और उसको पता भी नहीं चला। देख लीजिए मैंने इजिली उसको नॉक किया और फिनिश कर दिया। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैं आराम से सेफ हूँ, एकदम सेफ हूँ। और लेफ्ट साइड में ग्रीन क्रिमिनल, इसको पता चल गया कि ऊपर जो है ना, मतलब अपना टीआरडी भाई है, इसको मारना है। लेकिन उसको क्या पता है कि मैं एकदम परमानेंट कवर में हूं और यहां जोन आ गया है। लेकिन एम टाइम पे थर्ड बंदा को भी मैंने नॉक कर दिया, मतलब मैं यहां हाइडिंग प्लेस का यूज करके तीन बंदा को मार दिया और चौथा बंदा को ये हेडशॉट मारा और क्वाड्रा किल करके आराम से मैच को बुइए करा दिया। मतलब ये होता है हाइडिंग प्लेस का पावर और ये बेस्ट हाइडिंग प्लेस है, एकदम गजब का हाइडिंग प्लेस है। और यहां पर आप बहुत ज्यादा इजीली पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा इजीली आप देख ही सकते हैं कितना इजी है यहां पहुंचना। अगर सामने इनिमी है तो आपको थोड़ा होल्ड कर लेना, इनिमी हटने का इंतजार करना। इनिमी नहीं है तो बहुत इजीली आप यहां आ सकते हैं, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, उसके बाद थोड़ा लेफ्ट साइड जाना है, उसके बाद लेफ्ट साइड जाने के बाद देख लीजिए लेफ्ट साइड से जंप करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आराम से जंप कीजिए ग्लोब के ऊपर आ गए और यहाँ से आप आराम से ग्लिच फायर करके पूरा स्क्वाड को आप आसानी से मार सकते हैं, आपको कोई भी नहीं मार पाएगा। क्योंकि यहाँ पर मतलब एम ही नहीं आएगा ना किसी बंदा का, किसी बंदा का एम नहीं आने वाला है। आप आराम से ग्लिच करके थोड़ा सा कवर से निकल करके आप इस हाइडिंग प्लेस का यूज करके इनिमी को मार सकते हैं। तो मतलब ओपी हाइडिंग प्लेस है ये तीसरा वाला। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एरा मैप के अंदर चौथे हाइडिंग प्लेस को जानते हैं। तो आगे जो मैं आपको चौथा बेस्ट हाइडिंग प्लेस इन नेक्स्ट एरा मैप फॉर क्लैश स्क्वाड गेम के लिए बताने वाला हूं वो है मड साइड पे। मड साइड पे जब आपका गेम यहां पर स्टार्ट होता है, यहां पर आपको मैं चौथा हाइडिंग प्लेस बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर आपको फ्रेंड का हेल्प का जरूरत होगा। क्यों फ्रेंड का हेल्प का जरूरत होगा, क्या हेल्प का जरूरत होगा आप देख लीजिए। यहां पर आने के बाद मड साइड के इस तरफ से बोल रहे हैं एक वॉल लगाना है, फिर इस तरह से दो वॉल लगाना है। आप देख लीजिए किस तरह दो वॉल लगाए और यहां पर से जंप करके आराम से हम लोग छत के ऊपर जा सकते हैं। आप देख लीजिए किस तरह छत के ऊपर आ गए, ठीक है। और यहां पर से आप देखिए कितना खुला एरिया दिख रहा है, आप हर तरफ के इनिमी को बहुत इजीली मार सकते हैं, आप देख सकते हैं। और यहां परमानेंट कवर भी है, आप कवर का यूज कीजिए, आप आराम से इनिमी को मार सकते हैं मर्ड साइड पे। ये हाइडिंग प्लेस एकदम गजब का हाइडिंग प्लेस है। लेकिन यहां आने के लिए आपको एक फ्रेंड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से आप यहां पर आ गए तो मैंने आपको दिखा दिया कि मर्ड साइड के इस घर के ऊपर एकदम गजब का हाइडिंग प्लेस है, एक फ्रेंड का हेल्प से आप यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। अब अकेले यहां पर नहीं आ पाएगा, आपको फ्रेंड का हेल्प का जरूरत पड़ेगा। आप देख लीजिए किस तरह से यहां पर मैं इस हाइडिंग प्लेस पे आया। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं किस तरह से इस हाइडिंग प्लेस पे हम लोग आ सकते हैं मर्ड साइड के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको दो ग्लू बॉल चाहिए, दो ग्लू बॉल लगाना है। और किस तरह लगाना है आप देख लीजिए, देख लीजिए किस तरह लगाना है। और अपने फ्रेंड को बैठा करके नीचे बैठने कहिए और उसके ऊपर कूद करके फर्स्ट ग्लू बॉल पे जाइए, फर्स्ट ग्लू बॉल पे जाइए। देखिए फर्स्ट ग्लू बॉल पे आ गए और इसके बाद सेकंड ग्लू बॉल और इसके बाद ऊपर। ऊपर आने के बाद तो क्या ही बोले, एकदम गजब का हाइडिंग प्लेस है। यहां से इनिमी को मारना तो एकदम मक्खन है, इजीली मार सकते हैं, आपको इनिमी नहीं मार पाएगा। अगर आप
अच्छा से कवर का यूज कीजिएगा तो आपको इनिमी यहाँ मार ही नहीं पाएगा, और यहाँ से आप बहुत इजीली इनिमी को मार सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मेरे पास यूएसपी गन है, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड है, मैंने ग्लूबल खरीदा था, तो यहाँ पर मैं यूएसपी से मार करके विक्ट्री करा दिया। तो आगे जो मैं आपको पांचवा और आखिरी बेस्ट हाइडिंग प्लेस इन नेक्स्टेरा मैप बताने वाला हूँ, वो ये डेका स्क्वायर पे। डेका स्क्वायर पे जब आपका मैच स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पर फ्रेंड की हेल्प से या विदाउट फ्रेंड का हेल्प से इस हाइडिंग प्लेस पे पहुंच सकते हैं। अगर फ्रेंड हेल्प करेगा तब तो आप बहुत इजीली हाइडिंग प्लेस पे पहुंच सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से यहां पर दौड़ के आया, यहां पर एक ग्लू बॉल लगाया और जस्ट नीचे फ्रेंड को कहा बैठने के लिए, और यहां देखिए मैं कितना इजीली छत के ऊपर आ गया, और इस छत के ऊपर से मैं इजीली इनिमी को मार सकते हैं, क्योंकि इनिमी का जो स्पॉन रहता है ना वो राइट साइड पीछे की तरफ रहता है, और ये घूम करके इनिमी आ गया, और यहां देखिए मैं छत के ऊपर से इजीली इनिमी को मार सकते हैं, क्योंकि ये छत जो है सबसे हाइट पे है, और यहां पर से मैं इनिमी को बहुत इजीली मार सकता हूं डेका स्क्वायर पे। ये एक गजब का हाइडिंग प्लेस है ये छत के ऊपर, और छत के ऊपर बहुत सारा कवर भी है। हालांकि मेरे पास ग्लूबल है तो हमको कवर में जाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन यहां छत के ऊपर परमानेंट कवर भी अवेलेबल है, और ये कवर का यूज करके आप आराम से इनिमी को चारों तरफ का इनिमी को बहुत इजीली मार सकते हैं, ठीक ना। और यहां पर आप विदाउट फ्रेंड का हेल्प से भी आ सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आप विदाउट फ्रेंड का हेल्प से इस छत के ऊपर आ सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर जब आप आइएगा तो यहां पर से देख लीजिए, ये बालकोनी में आना है, यहां पर से फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, और यहां पर जूम कर लीजिए आराम से, यहां से जब जंप कीजिएगा आप इस छत के ऊपर आ जाएगा। तो आपको देख लिया बिना फ्रेंड के हेल्प के आ गए, और मैं एक तरीका बता देता हूं, अगर आपके पास ग्लू बॉल है तो जस्ट यहां पर ग्लू बॉल लगाना है जहां पर मैंने लगाया, और नीचे से इस टायर पे जंप करना है, ठीक है। टायर से जंप कीजिएगा आप ग्लू बॉल के ऊपर आ गए, और यहां पर से हाइडिंग प्लेस पे आप बहुत इजीली जा सकते हैं। तो यहां पर ये हाइडिंग प्लेस पे पहुंचने का ये तरीका है विदाउट फ्रेंड का। लेकिन यहां क्या होता है, इस तरफ से जब आप चढ़िएगा ना तो उधर से अपोजिट साइड से इनिमी आपको मार सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप फ्रेंड का हेल्प लीजिए। जब फ्रेंड का हेल्प लीजिएगा तो आप बहुत फास्टली इस हाइडिंग प्लेस पे, डेका स्क्वायर का जो ये बेस्ट हाइडिंग प्लेस है, एकदम मतलब यहाँ परमानेंट कवर है, और यहाँ से आप चारों तरफ इजीली इनिमी को मार सकते हैं, तो मतलब अच्छा हाइडिंग प्लेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड का हेल्प लेने के बाद मतलब आपको कोई इनिमी मार नहीं पाएगा, आप आराम से इस डेका स्क्वायर के हाइडिंग प्लेस पे आ जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको नेक्स्टेरा मैप के अंदर क्लैश स्क्वाड मोड के लिए पांच एकदम गजब का बेस्ट हाइडिंग प्लेस आप लोगों को बताया, और अगर आपको ये सब हाइडिंग प्लेस पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर से जरूर से जरूर कर दे लाइक, और चैनल को भी 100% कर ले सब्सक्राइब, ताकि आगे भी इस तरह का और सब अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर कर ले सब्सक्राइब।